बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर व्यूअर्स, वेलकम टू शाहीन लीडर्स एकेडमी। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स टेस्ट नंबर 42। तो ये टेस्ट उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए स्पेशल डिज़ाइन किया गया है जो पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स के तमाम इनिशियल टेस्ट को क्लियर क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो बढ़ते हैं व्यूवर्स अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अ रेक्टेंगुलर रीजन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू और मोर रीजन्स इज डैश वेज। तो एक रेक्टेंगुलर रीजन जो है उसको बहुत से ट्रायंगुलर रीजन्स में डिवाइड किया जा सकता है, मोर टू ट्रायंगुलर रीजन्स में या उससे ज़्यादा ट्रायंगुलर रीजन्स में। उसके लिए कितनी वेज है? तो उसके लिए बहुत ज़्यादा वेज होती है। मिसाल के तौर पर ये अब आपके पास एक ट्रायंगल जो है वो मौजूद है, ठीक है। तो अब इसको आप इस तरह से अगर क्रॉस करने की कोशिश करें तो आपके पास जो है वो चार ट्रायंगल्स बन जाएंगी। इसी तरह आप इसको यहाँ से यूँ करेंगे तो मज़ीद ट्रायंगल्स बन जाएंगी। यहाँ से यूँ लगाएंगे तो और भी ज़्यादा मज़ीद ट्रायंगल। इसी तरह आप लाइन लगाते जाएंगे तो ट्रायंगल्स जो है वो बनती जाएंगी। इसलिए एक रेक्टेंगुलर रीजन को एक ट्रायंगुलर रीजन में कन्वर्ट करने के लिए जो है हमारे पास बहुत से तरीके होते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव डैश एरिया। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो होती हैं उनका एरिया भी जो है आपके पास सेम ही होता है। मैंने बताया था कॉन्ग्रुएंट फिगर, मिसाल के तौर पर ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या होता है कि जो दो साइड्स हैं इसकी, ये आपके पास बिल्कुल सेम है, इनकी लेंथ भी सेम है और इनका जो आपके पास एंगल है वो भी इन दोनों ऑपोजिट साइड्स का सेम है। इस वजह से जो इनका एरिया इसके अंदर इनक्लोज होता है, ये एरिया भी हमेशा सेम होता है। Altitude of triangle means perpendicular from dash to opposite side. तो altitude क्या होता है? Altitude basically जो है वो height को कहते हैं। लेकिन अगर आप triangular case में देखें तो triangular case में जो altitude होता है वो एक perpendicular line होती है जो vertex से opposite side तक होती है। Vertex क्या है? ये आपके पास triangle है, ठीक है, triangle A B एंड सी। अब होगा क्या कि ये जो आप यहाँ से बी, ये जो इसका एरिया है ना, ये जो बी वाला साइड है ये इसका वर्टिक्स है। वर्टिक्स से लेकर ये जो इसकी ऑपोजिट साइड है यहाँ तक, ये सारा जो आपने लाइन लगाई है यहाँ पे, ये इस ट्रायंगल का जो इसका आपके पास एल्टीट्यूड है जो कि वर्टिक्स से ऑपोजिट साइड पर ख़त्म होता है। ट्राइंगल ऑन इक्वल बेसिस एंड ऑफ इक्वल एल्टीट्यूड आर सेम एरिया। वो ट्राइंगल जिनकी बेसिस सेम होती हैं, जिनकी हाइट सेम होती है, हमेशा उनका एरिया भी जो है वो इक्वल ही होता है। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, जो पैरेललोग्राम होती है आपके पास उसके जो एरिया का फार्मूला है वो आपके पास होता है लेंथ बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। अब इसमें ये बेस है और ये आपके पास, यानी कि ये बेस है और ये आपके पास हाइट यानी कि एल्टीट्यूड है। ऑफ डैश इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। अभी मैंने बताया कि पैरेललोग्राम जो होता है आपके पास उसका एरिया जो है वो आपके पास बेस और एल्टीट्यूड के इक्वल होता है। फिर पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द डैश ऑफ बेस एंड हाइट। तो जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है वो प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट के इक्वल होता है। इसमें आपको एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट वे से पूछा गया ताकि आपको पता चले कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन किसी भी वे में आ सके, तब भी आप जो है वो उस क्वेश्चन को आंसर कर सकें। इस क्वेश्चन में देखें तो डैश ऑफ पैरेललोग्राम इज द प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट। तो अभी मैंने आपको बताया कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो बेस और हाइट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। हाइट ही को एल्टीट्यूड कहते हैं। पैरेललोग्राम ऑन इक्वल बेसिस एंड हैविंग द सेम एल्टीट्यूड आर इक्वल इन एरिया। तो वो पैरेललोग्राम जिनकी बेसिस सेम होती हैं, जिनके एल्टीट्यूड सेम होते हैं, हमेशा उनका एरिया भी सेम और इक्वल ही होता है। अ ट्राइंगल हैविंग टू साइड्स कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड। तो वो ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो, मैंने पहले बताया था उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्यों? क्योंकि जो इसकी ये दोनों ये वाली ऑपोजिट साइड हैं ये कॉन्ग्रुएंट है, इनकी लेंथ सेम है, इनके एंगल सेम है। वन एंगल ऑन द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 30 डिग्री, वट इज द मेजर ऑफ इट्स वर्टिकल एंगल। अब इसने कहा है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल का एक एंगल 30 डिग्री का है तो उसका वर्टिकल एंगल जो है आपके पास क्या होगा? अब ये आपके पास
आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसने कहा है कि आपने ये वर्टिकल एंगल जो है इसका फाइंड करना है, ठीक है। ये वर्टिक्स आपके पास है, ये वर्टिकल एंगल हो गया। अब ये आपके पास क्या है, 30 डिग्री। अब आपको पता है कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है उसकी दो अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती है, उनकी लेंथ सेम होती है, उनका एंगल सेम होता है। अगर इस साइड का एंगल 30 डिग्री है तो इसका मतलब है इस साइड का एंगल भी आपके पास क्या होगा, 30 डिग्री। अब दो एंगल्स हमें पता चल गए हैं। टोटल आइसोसेलेस ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं जिनका सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, यानी कि 180 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एक्स। एक्स अब क्या है, वर्टिकल एंगल है जो हमने फाइंड करना है। अब 30 प्लस 30 करेंगे तो 60 आ जाएगा, 60 को जब आप 180 में से 60 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 120। तो 120 जो है वो आपके पास एक्स के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब है जो आपके पास वर्टिकल एंगल है वो आपका 120 डिग्री है। डैश कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कैन बी मेड बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो आपके पास जो है वो चार कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बन सकती हैं अगर आप जो है वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें। ये आपके पास ट्राइंगल है, अब ये ले लें कि ये इसका मिड पॉइंट है इस साइड का, ये दूसरी साइड का मिसाल के तौर पर मिड पॉइंट है, और ये यहाँ पे इस लाइन इस साइड का मिड पॉइंट है। अब यहाँ से आप इनको ज्वाइन करें। जब आपने इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो आपके पास कितनी ट्राइंगल्स बन गई, कॉन्ग्रुएंट 1 2 3 4। तो आपके पास चार कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बन गए। अब यहाँ पे ये पिक्चर जो है ये सही नहीं बनी, बट बेसिकली जब आप इन साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो आपके पास 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बनती हैं जिनकी साइड सेम होती है, जिनकी लेंथ सेम होती है, जिनके एंगल सेम होते हैं। द पॉइंट वेयर द इंटरनल बायसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल मीट इज कॉल्ड इन सेंटर। अब इन सेंटर क्या है, ये आपके पास जो है वो एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब जो है उन्होंने क्या कहा, इंटरनल बायसेक्टर, ठीक है। तो अब होता क्या है कि तीन मिसाल के तौर पर ये आपने इसके एल्टीट्यूड्स बनाए हैं, ये बायसेक्ट किया आपने ये। अब ये यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा इसका सर्कल। तो अब ये जो जहाँ पे इस सर्कल के मिड में या जहाँ कहीं भी ये जो पॉइंट्स एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, इस पॉइंट को आप इन सेंटर कहते हैं। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ थ्री ट्राइंगल इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। अब इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर में फर्क क्या है, अब ये देखें, सेम हम इसी तरह करेंगे कि हमने ये तीन एल्टीट्यूड्स बना लिए। अब ये जो पॉइंट है ये इसका ऑर्थो सेंटर है। इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर में फर्क क्या होता है कि जो इन सेंटर होता है उसमें आपके पास हमेशा यहाँ पे एक इन चारों एल्टीट्यूड्स के तीनों एल्टीट्यूड्स के गिर्द जो है वो एक सर्कल होता है, लेकिन ऑर्थो सेंटर में हमें उस सर्कल की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंपली जहाँ पे ये तीनों लाइंस क्रॉस करी हैं वही आपका ऑर्थो सेंटर है। थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ डैश आर कॉन्करेंट। तो जो आपके पास ट्राइंगल के थ्री एल्टीट्यूड्स होते हैं वो सेम होते हैं। मिसाल के तौर पर ये आपके पास जो है वो ट्राइंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पर ये ज्वाइन कर रही हैं, अब यहाँ पे ये सही नहीं बना, बट बेसिकली होता क्या है कि जहाँ जिस पॉइंट से भी आप लेंगे, जहाँ पे ये लोग आपस में मिल रहे हैं, उसका जो आपके पास डिस्टेंस होगा तमाम पॉइंट्स तक जो है वो सेम होगा। इसी वजह से जो थ्री एल्टीट्यूड्स हमने यहाँ पर बनाए हैं ट्रायंगल के, वो कॉन्ग्रेंट या कॉन्करेंट होते हैं। के साथ व्यूवर्स, हम अपनी वीडियो के अख्ताम तक पहुंच चुके हैं। मैं आप सबको बता दूं कि शाहीन लीडर्स एकेडमी में पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी के तमाम इनिशियल टेस्ट की प्रिपरेशन के अलावा ISSB और इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी कराया जाता है। ऑल ऑफ़ यू आर मोस्ट वेलकम। इसी के साथ आप हमारे चैनल शाहीन लीडर्स एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उस पर कमेंट करें और नीचे बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। पाकिस्तान आर्म फोर्सेज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। फी अमान अल्लाह।